हे गाइस, मैं हूं हितेश अग्रवाल फ्रॉम पीएचपी एकेडमी। आप हमारे माध्यम से पीएचपी सीख सकते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज पीएचपी? पीएचपी स्टैंड्स फॉर पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। पीएचपी इज वाइडली यूज्ड एंड वेरी इजी टू लर्न। इट इज अ ओपन सोर्स लैंग्वेज। यह एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं फ्री में। पीएचपी फाइल एक्सटेंशन इज डॉट पीएचपी। अगर आप पीएचपी में कोई कोड लिख रहे हैं, कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उसकी जो फाइल एक्सटेंशन है वो डॉट पीएचपी ही रहती है। दोस्तों, पीएचपी इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। व्हाट वी कैन डू विथ पीएचपी? यू कैन क्रिएट अ डायनेमिक पेजेस। पीएचपी कैन रीड, राइट, क्लोज, ओपन, डिलीट फाइल्स ऑन द सर्वर। पीएचपी कैन बी कनेक्ट विद डेटाबेस। अगर आप पीएचपी में कोई डायनेमिक प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उसके लिए आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी आप पीएचपी का यूज कर सकते हैं। आप पीएचपी से कर्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। कर्ड इज नथिंग बट क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो आप पीएचपी एंड डेटाबेस के थ्रू आप कुछ भी डेटा ऐड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट और अपडेट भी कर सकते हैं। पीएचपी का जो नया वर्जन है वो 7.3 है। हाउ टू यूज इट? तो पीएचपी यूज करने के लिए आपको सबसे पहले वेब सर्वर चाहिए अपने सिस्टम में। आपके पीएचपी इंस्टॉल होना चाहिए, डेटाबेस इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये सब आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट रहे। और अपने शेयर फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी पीएचपी सीख सके हमारे माध्यम से। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं पीएचपी के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट्स कीजिए। आप अपने इश्यूज भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ नया पीएचपी का कुछ ट्यूटोरियल जो आप सीखना चाहते हैं उसका वीडियो हम बनाएं, तो आप वो भी हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो हम आपके लिए वो उस टॉपिक पर हम जल्द से जल्द वीडियो लाने का ट्राई करेंगे।